हेलो एवरीवन, आज मैं आपको 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 जो कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पढ़ाऊंगा। एक वीडियो में डाल चुका हूँ, ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको फर्दर आगे पढ़ाने वाला हूँ इस चैप्टर में क्या है नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, उसके बाद फिर आपको टैक्सोनॉमी बता चुका हूँ, टैक्सोनॉमी क्या है, किसने दिया, टैक्सोनॉमी में क्या क्या पढ़ना होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको नॉमेनक्लेचर बताया, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। फिर आपको मैंने उसमें क्लासिफिकेशन बताया, क्लासिफिकेशन करने से क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब उसका क्या जरूरत पड़ती है, उससे क्या फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ बताई आपको मैंने। आपको आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि जो ऑर्गेनिज़म्स हैं नेचर में, जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको लेवल के हिसाब से डिवाइड कर रखा है, मतलब उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। जैसे आपने सुना होगा कि एक सेल, अगर एक या एक से ज़्यादा सेल्स मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। फिर टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। उसी तरह से कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो सेलुलर लेवल के होते हैं, मतलब उनकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से बनी होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो टिश्यू लेवल के होते हैं, ठीक है ना। तो वही बात है, तो फिलहाल टाइप ऑफ, अभी आपको कुछ पढ़नी नहीं है, फिलहाल आपको देखना है टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ये वो होते हैं जो नेचर में फर्स्ट टाइम आए थे और उनकी बॉडी मतलब इनके जो सेल होते हैं, सेल वेल डेवलप नहीं होते। वेल डेवलप ना कहने का मतलब ये है कि इनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस पर कवरिंग नहीं होती। तो दीज आर प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल विदाउट सेल विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता है। फिर उसके बाद दूसरा होता है यूकैरियोट, जो कि हम हैं। दीज आर एडवांस एंड कंप्लीट सेल विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनका सेल कंप्लीट होता है प्लस वेल डिफाइंड होता है न्यूक्लियस इनका, ठीक है ना। अब बात आती है बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्स होते हैं, मतलब उनकी उनकी पूरी बॉडी एक सेल से बनी होती है, इन्हें हम बोलते हैं यूनिसेल ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म, दीज आर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल विद ऑल एक्टिविटी परफॉर्म बाय द सिंगल सेल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं और उनकी बॉडी के सारे काम, मतलब उनकी मतलब उनके मतलब जो भी काम होने चाहिए नेसेसरी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, वो सिंगल सेल ही कर देता है, ठीक है ना। पर अगर हम बात करें मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। और याद रखना, इनके बॉडी के अलग अलग जो सेल्स होते हैं उनका अलग अलग काम होता है। तो दीज आर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स विद डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल्स, इनके बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है और अलग अलग सेल का अलग अलग काम होता है। जैसे कि आपको बताना चाहिए, हमारी बॉडी में आइज के सेल्स का अलग काम होता है, स्किन के सेल्स का अलग काम होता है, आपके बॉडी के जो स्मॉल इंटेस्टाइंस होते हैं उनके सेल्स का अलग काम होता है, आपका हार्ट का जो सेल होता है उसका अलग काम होता है, ठीक है ना। अब बात आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज़म्स कैसे खाना खाते हैं, उनके खाने का तरीका कैसा है। तो कुछ होते हैं ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दीज आर दी ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओवन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और सेकंड वो होते हैं हेटरोट्रॉप्स, दीज आर दी ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, ये वो होते हैं जो खाना दूसरों पे मतलब अपने खाना दूसरों से लेते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ना ये आपको ये जो चार्ट है इससे कुछ नहीं, बेसिकली आपको ना टाइम के साथ कैसे कैसे क्या इवोल्यूशन हुआ है और आज हम बने हैं तो कैसे बने हैं। तो देख, गौर से देखना, जैसे कि मैंने दिखाया टाइम, सबसे पहले क्या है आपका वायरसेस है, उसके बाद हमें पता नहीं क्या आगे बनाता, पर फिर हम मानते हैं कि सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ। केमिकल इवोल्यूशन की वजह से आपका जो मोनरा है, मोनरा मतलब प्रोकैरियोट होता है, फिर आगे जाके मोनरा जैसे कि डेवलपमेंट हुई, यूकैरियोट बने, यूनिसेलुलर, फिर उसके बाद फंजाई बने, उसके बाद ये मल्टीसेलुलर में आते हैं, ये दोनों यूनिसेलुलर में, ये मल्टीसेलुलर में, फंजाई फंजाई फिर प्लांट फिर एनिमल, फिर सबसे लास्ट में एनिमल हम शो करते हैं, ठीक है ना। कहने मतलब एनिमल ही जो लास्ट है जो अभी डेवलप्ड है, ठीक है, बाकी सारे क्या हैं पहले वाले अनडेवलप्ड थे, टाइम के साथ धीरे धीरे उनमें चेंज आया और वो हम बने हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली एक चार्ट है जिससे पता चलता है टाइम में, टाइम के साथ कैसा कैसा चेंज आया, ठीक है।
उसके बाद ये थोड़ा सा देख लेना ये कि ये आपको आगे बताऊंगा प्रॉपर, जैसे कि हाँ जैसे किंगडम, फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब मैंने आपको जीनस स्पीशीज तो बताया, जीनस स्पीशीज क्या होता है, जैसे ह्यूमन बींग जो है, ह्यूमन बींग का साइंटिफिक नेम क्या है, तो ह्यूमन बींग का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है, तो उनका जीनस क्या था, होमो, और स्पीशीज क्या है, सेपियंस, ठीक है ना। तो ये बताऊँगा, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद आगे तो भाई जो आपका रॉबर्ट एच विटिकर थे, उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनरा से, मोनरा। तो भाई कुछ नहीं है, बेसिकली ना आपको याद करना है, बार 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 उस चीज़ को मतलब पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्योंकि देखो ये कोई वर्ड वो मुश्किल वर्ड नहीं है, आपको पहले से पता है, आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो, तो वर्ड मुश्किल नहीं है कि आपको समझना है। मेन चीज़ होता है कि आप पढ़ किसके बारे में रहे हो, जैसे आप मोनरा के बारे में पढ़ रहे हो, तो मोनरा के बारे में क्या क्या पढ़ रहे हो वो आपको दिमाग में याद रखना है। और याद कोई चीज़ फर्स्ट टाइम में नहीं होता, आपको उस चीज़ को बार बार अपने माइंड में उसको रिवाइंड करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना, तो याद हो जाती चीज़ें। तो सबसे पहले मोनरा क्या होते हैं, मोनरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट। आपको यूनिसेलुलर बताया है पीछे ही कि ये वो होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं और उनके बॉडी के सारे काम सिंगल सेल ही कर देते हैं। और प्रोकैरियोट का क्या मतलब होता है, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिनका सेल वेल डेवलप नहीं होता, मतलब कंप्लीट नहीं होता, और न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता। उसके बाद जो ऑटोट्रॉप्स पता है, हेटरोट्रॉप पता है, मतलब मोनरा ये वो होते हैं जो ऑटोट्रॉप भी करते हैं और हेटरोट्रॉप भी करते हैं, ठीक है ना। लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, आपको प्रोकैरियोट का मतलब बताया था, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ऑटोट्रॉप होते हैं, और आपका जो एनाबेना क्या है, हेटरोट्रॉप है। इनके ऊपर सेल वॉल होती भी है और नहीं भी होती है, मतलब कुछ पे होती है कुछ पे नहीं होती, ठीक है ना। फिर उसके बाद बात आती है प्रोटिस्टा की, आपका जो प्रोटिस्टा कैसा है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट है। देखो इन दोनों में डिफरेंस किस बात का है, इन दोनों देखो दोनों यूनिसेलुलर तो हैं, पर पहले मोनरा उसके बाद प्रोटिस्टा आया, क्यों, क्योंकि जो पहले के ऑर्गेनिज्म थे उनका जो उनका क्या बोलते हैं, उनकी बॉडी वेल डेवलप नहीं थी, आज की ऑर्गेनिज्म के वेल डेवलप हैं, तो टाइम के साथ डेवलपमेंट आया। तो सबसे पहले मोनरा, मोनरा के बाद प्रोटिस्टा, फिर प्रोटिस्टा में ये देखो मोनरा प्रोटिस्टा दोनों कैसे हैं, यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा और मोनरा में डिफरेंस किस बात का है कि आपका जो मोनरा होता है वो प्रोकैरियोट है और आपका प्रोटिस्टा क्या होता है, यूकैरियोट होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक है, दोनों में सेम कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद सम ऑर्गेनिज्म यूज स्यूडोपोडिया और सीलिया और फ्लैजिला फॉर मूवमेंट, तो आपके प्रोटिस्टा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी बॉडी का मूवमेंट किसके थ्रू करते हैं, स्यूडोपोडिया और सीलिया के थ्रू। देखो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब फीट, तो उनके पास फॉल्स फीट होते हैं जिनके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं, और सीलिया आपको पता ही है, मैं डायग्राम दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी अभी नाम याद रखो कि प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूवमेंट कैसे शो करते हैं, तो स्यूडोपोडिया के थ्रू, सीलिया के थ्रू, फ्लैजिला फॉर मूवमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन है इसमें, अमीबा, पैरामीशिया और यूग्लिना। अब रही बात, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हमने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे नेचर में, हमने सबको डिवाइड किया दो पार्ट में, किस किस में, एक डिवाइड किया प्लांट और एनिमल में। पर हमने, मैंने आपको ये बताया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो प्लांट की प्रॉपर्टी भी शो कर रहे थे और एनिमल की प्रॉपर्टी भी शो कर रहे थे, तो उन्हें हम किस में डालेंगे, तो मैंने बताया था उसके लिए एक नई बनाया था, वो क्या था, प्रोटिस्टा। तो देखो मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनमें प्लांट की प्रॉपर्टी कौन शो करते हैं, एल्गी और डायटम, ठीक है। और एनिमल की प्रॉपर्टी कौन शो करते हैं, प्रोटोजोन, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोटिस्टा ख़त्म हो गया। अब पढ़ते हैं फंजाई के बारे में। तो फंजाई कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर नॉन ग्रीन यूकैरियोट होते हैं, ठीक है। अब ये वर्ड आपके लिए नया है, सेप्रोफिटिक क्या होता है और पैरासिटिक क्या होता है, ठीक है। तो सेप्रोफाइट्स ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म मरे हैं उनके बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ेंगे और वो सिंपल अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। फिर पैरासिटिक क्या होते हैं, तो भाई पैरासिटिक का मतलब ऐसे याद कर लो, आपके शरीर में जू, जैसे कि कुछ मतलब
फीमेल्स या मेल्स के मतलब हेयर में जू होते हैं तो वो क्या करते हैं? तो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिना मारे हुए, मतलब पैरासिटिक ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिना मारे हुए उसके बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि सर पे जू, सर क्या जू क्या करता है, आपके सर पे रहता है और आपके सर से ब्लड एब्जॉर्ब करता रहता है और वो अपना जिंदा रहता है, ठीक है। तो पैरासिटिक ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब याद रखना पैरासिटिक भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टो पैरासाइट और एक होता है एंडो पैरासाइट। एक्टो का मतलब बॉडी के ऊपर, एंडो का मतलब बॉडी के अंदर। तो जो एक्टो पैरासाइट होते हैं वो एग्जांपल है आपका सर का जू, ठीक है, और एंडो होता है वो अभी आप नहीं पढ़ोगे, वो अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। रिंगवर्म होते हैं, आपके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है, दिखाऊंगा भी एग्जाम्पल आगे। तो फिलहाल ये जो आपका फंजाई है उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, समटाइम सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म मतलब दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को, जैसे मान लो एक दूसरे को खाना देगा और दूसरा पहले को रहने के लिए शेल्टर देता है, जगह, ठीक है ना। तो फंजस इज मेड अप ऑफ लॉन्ग फिलामेंटस कॉल हाइपे, द नेटवर्क ऑफ हाइपे इज कॉल्ड माइसीलियम। ये आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। बाकी याद कर लो जो आपका फंजाई होता है मतलब उसमें राउंड राउंड सा बना होता है, जैसे कि माला नहीं होती, माला में गोल गोल राउंड, मतलब गोल गोल सा राउंड राउंड होता है लगे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइपे। और उस पूरे नेटवर्क को क्या बोलते हैं, माइसीलियम। एग्जाम्पल देख लें आप, ईस्ट हो गया, राइजोपस हो गया, मशरूम हो गया और मशरूम माउल्स हो गया, ठीक है ना। अब आ गया, अब हम बात करते हैं, ये तो होगी फंजाइस की, फंजाई की, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांटी के बारे में। तो आपका जो प्लांटी है वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोट है, ऑटोट्रॉपिक है, आपको पता है, एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ टिश्यू डिफ्रेंशिएशन एंड हैव स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गन। तो भी आपने पीछे पढ़ा होगा कि सारे यूनिसेलर थे, मतलब यूनिसेलर का मतलब सिंगल सेल थे, पर अगर आप प्लांट को देखोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है इनकी बॉडी कैसी है, हाई लेवल की है, इनके बॉडी के टिश्यू सारे वेल डेवलप होते हैं, अपने काम को लेकर स्पेशलाइज होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आता है प्लांटी में, ट्री आता है, प्लांट्स आता है और शब्स आता है, ठीक है। अब हम बात करें किसको, एनिमेलिया। तो एनिमेलिया मल्टी सेलर होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सॉरी हेटरोट्रॉपिक होते हैं। आपको पता है हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या है, एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ टिश्यू डिफ्रेंशिएशन। तो फिर टिश्यू डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, उनके बॉडी बनी तो है टिश्यू से पर हर एक टिश्यू अपने काम को लेकर सेपरेट है, मतलब इसका काम ये है, इसका काम ये, इसका काम ये, ठीक है। एंड हैव स्पेशलाइज बॉडी ऑर्गन, और उनके उनके बॉडी में अलग अलग स्पेशलाइज ऑर्गन होते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, इनके पास वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है जिससे वो किसी भी काम को करने के लिए सेंस कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फिश, इंसेक्ट, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड बर्ड्स, ठीक है। तो आपको बताया था मैंने सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म यूज डिकेइंग मटेरियल फॉर फूड, मतलब अपना खाना ये डिकिंग मैटर से लेते हैं। उसके पैरासिटिक क्या होते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म लाइव इनसाइड ऑफ बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू हैव फूड एंड कैन बी डिजीज कॉजिंग, और डिजीज कॉज करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन, अभी बताया था कि सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं अपने अपने फ़ायदे के लिए। दीज आर रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच दे लाइव टुगेदर फॉर बेनिफिट ऑफ वन और बोथ, मतलब दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। उसका एग्जांपल क्या है, लाइकेन। लाइकेन आर ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वन मार्क क्वेश्चन आता है, लाइकेन आर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। आपका फंजाई और साइनोबैक्टीरिया एक दूसरे से रिलेशन में रहते हैं, उस दोनों को हम बोलते हैं लाइकेन, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। उसके बाद हेयर फंजाई गेट फूड फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया, इन रिटर्न साइनोबैक्टीरिया गेट वाटर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट थ्रू फंजाई, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट भाई क्वेश्चन है, आपको भाई मैंने चैप्टर 5 में पढ़ाया था कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। पर यहाँ पे वन मार्क क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है एग्जाम्स में, कि जो फंजाई होती है, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो याद रखो इसे काइटिन भी बोलते हैं, बोलने पर डिपेंड करता है, और चीटिन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्पेलिंग है CHITIN, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन मार्क क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं।
प्रॉपर हमने देखो मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंजाई पढ़ लिया और प्लांट पढ़ लिया, एनिमेलिया पढ़ लिया। ये तो हमने बस शॉर्ट में पढ़ा है प्लांटी और एनिमेलिया को। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर कि प्लांटी क्या है, एनिमेलिया क्या है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आपका जो प्लांटी बताया था यूकैरियोट है, मल्टी सेलर है, ऑटोट्रॉप है, इनके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब कुछ वर्ड्स हैं कि भाई हमने ना प्लांट्स को भी डिवाइड कर रखा है, मतलब प्लांट्स को भी कुछ मतलब उसमें डिवाइड कर रखा है ग्रुप में, तो हमने किस बिहाफ पे प्लांट्स को डिवाइड किया है, ठीक है आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, मतलब जो प्लांट हैं उनके बॉडी के पार्ट डिफ्रेंशिएटेड है या नहीं है। तो बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स और फ्लावर। पहली बात तो ये होगी उनके बॉडी के पार्ट प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन, मान लो रूट है शो कर रहा है नहीं कर रहा, मतलब स्टेम शो है या नहीं है। मतलब कुछ होता है ना कुछ प्लांट्स स्ट्रेट होते हैं, उनका ना रूट का पता चलता है, ना शूट का पता चलता है, ना फ्लावर का पता चलता है, ठीक है ना। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के पार्ट्स दिखते नहीं हैं, तो हम वही देखेंगे कि किनके पार्ट दिख रहे हैं नहीं दिख रहे। उसके बाद सेकंड है प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें वास्कुलर सिस्टम होता है और कुछ में नहीं होता। अब ये वास्कुलर सिस्टम क्या होता है, तो भाई वास्कुलर सिस्टम का मतलब होता है कि जालम और फ्लोएम। मैंने आपको 6 चैप्टर में, आपने पढ़ा भी होगा कि जो 6 चैप्टर में आपके बॉडी मतलब प्लांट के बॉडी में टिश्यूज होते हैं, एक होता है जैलम और फ्लोएम। आपको पता होना चाहिए जैलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है, ठीक है। जैलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स में वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है और कुछ में नहीं होता, तो उस पर भी हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। देर आर टू टाइप्स ऑफ वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट, जैलम और फ्लोएम। अब उसके बाद आती है रिप्रोडक्शन। देखो भाई कुछ प्लांट्स में रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू होता है, मतलब सीड से उनका मतलब नंबर बढ़ता है, और कुछ का स्पोर्स के थ्रू। ये जो स्पोर है ना, ये बेसिकली ये भी आपको पढ़ना नहीं है पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। स्पोर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये प्लांट के ऊपर ना एक गोल सा बना होता है, राउंड सा, उसके अंदर पैक होते हैं। जब जब इन प्लांट्स के लिए फेवरेबल कंडीशन आती है तो जो जो उनकी गोल सी कवरिंग होती है वो हट जाती है और सारा का सारा स्पोर बाहर आ जाता है, और ये स्पोर जहाँ जहाँ भी गिरता है वहाँ पे एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर के थ्रू प्लांट का ग्रो होना, ठीक है। तो देखो रिप्रोडक्शन के थ्रू डिवाइड कर रखा है, दो तरह के होते हैं, फेनोरेगेम और क्रिप्टोगेम। तो फेनोरेगेम प्लांट विद सीड आर कॉल्ड फेनोरेगेम, दे कंटेन एम्ब्रियो विद स्टोर्ड फूड एंड आर मल्टी सेलर। इनके पास सीड होते हैं। उसके बाद क्रिप्टोगेम क्या होते हैं, प्लांट विद स्पोर्ट्स, ये वो प्लांट होते हैं जिनका मतलब नंबर किससे बढ़ता है, स्पोर्ट्स के थ्रू। आर क्रिप्टोगेम, दे कंटेन ओनली नेक्ड एम्ब्रियो एंड आर जनरली यूनिसेलर, ठीक है ना। ये भी डिफरेंट डिफरेंट रहा, ये मल्टी सेलर होते हैं, यूनिसेलर होते हैं। अब हमने फिर डिवाइड किया है प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ मतलब सीड्स, कि कुछ के मतलब सीड्स में दो होते हैं कॉटिलेडन और कुछ में एक होता है सिंगल। तो सीड्स आर इनसाइड द फ्रूट आर नेक्ड। अब देखो एंजियोस्पर्म, दीज आर प्लांट विद सीड इनसाइड द फ्रूट एंड बियर फ्लावर। और जिम्नोस्पर्म होते हैं, दीज आर प्लांट विद नेक्ड सीड एंड डू नॉट बियर फ्लावर्स। मतलब ये बेसिकली नंग, इनकी सीड्स साफ साफ दिखती हैं, इनकी सीड्स नहीं दिखती, ठीक है ना। मतलब इनकी सीड्स नहीं दिखेंगी आपको, इनकी दिखेंगी साफ साफ। और एक और तो हाँ, एक और पढ़ोगे आप मोनोकोट और डाइकोट, ठीक है। वो तो मैं आपको बाद दिखा दूंगा कि मोनोकोट प्लांट भी होते हैं, डाइकोट प्लांट भी होते हैं। अब बात आती है कि प्लांट्स भी 5 तरह के, मतलब उनको हमने डिवाइड कर रखा है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा। भाई थैलोफाइटा जो प्लांट्स हैं सबसे सिंपलेस्ट प्लांट्स में आते हैं। अगर हम प्लांट्स में देखे जाए तो 5 हो गए, तो सबसे अगर पूछे ना सबसे सिंपलेस्ट प्लांट कौन है, तो आप बोलोगे थैलोफाइटा। तो बेसिक एंड एलिमेंट्री प्लांट विद अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट। देखो सबसे बेसिक, देखो बेसिक का मतलब होता है सिंपल, और फिर एलिमेंट्री प्लांट विद अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट। ये अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, जिनके बॉडी के पार्ट बिल्कुल डेवलप नहीं होते, बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना। अब जनरली कॉल्ड एल्गी, भाई 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि कॉमनली नोन एज एल्गी,
किन प्लांट्स को कहा जाता है? तो किसके बोलोगे? थैलोफाइटा। उसके बाद इनमें क्या नहीं प्रेजेंट होता? नो वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। रिप्रोड्यूस थ्रू, किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स के थ्रू। कहाँ पाए जाते हैं? मेनली फाउंड इन वाटर। उसके बाद एग्जाम्पल, अल्वा, स्पायरोगायरा, यूलेक्ट्रिक्स, कैलाइडोफोरा, चारा। ये आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, अल्वा, स्पायरोगायरा, यूलेक्ट्रिक्स, चारा, ठीक है ना। मैं इनकी एक बार आपको ने ट्रिक्स बता दूंगा, ठीक है ना। जब ये चैप्टर खत्म होगा लास्ट में आपको ट्रिक्स बता दूंगा सभी एग्जाम्पल्स को याद करने का, जो मैंने कहीं वीडियो में देखी थी, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। तो भाई ब्रायोफाइटा बॉडी स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएटेड होता है बट नॉट फुली डेवलप। मतलब अगर हम इसमें बात करें, मतलब थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा की बात करें, तो आपका जो ब्रायोफाइटा होता है वो थैलोफाइटा से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होता है, ठीक है ना। फुली डेवलप नहीं होता पर उनसे ज़्यादा डेवलप होता है। अब इनमें भी नो वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, इनमें भी वस्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट होता। रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। फाउंड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, ये ज़मीन पे भी पाए जाते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट बात है भाई, ऐसे प्लांट जो ज़मीन और लैंड, मतलब लैंड और वाटर दोनों में पाए जाए, हम उनके लिए एक स्पेशल वर्ड कहते हैं, गौर से देखना, एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे एग्जाम्पल, लिवरवर्ट्स, मार्शेंटिया, रीसिया, मोसेस फुनेरिया, हॉर्नवर्ड, डेंड्रोसेरस, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं क्या थर्ड, ट्रेडोफाइटा। तो भाई आपके जो ट्रेडोफाइट्स होते हैं इनका बॉडी ज़्यादा डेवलप होता है उन दोनों के कंपेयर में, ठीक है। तो देखो लिखा साफ साफ, डिफ्रेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर। और हाँ, किस में डिफ्रेंशिएटेड होता है? आपको इनमें साफ साफ लीव दिखेगा, स्टेम दिखेगा, रूट दिखेगा, ठीक है। वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, इनमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। मैंने आपको पीछे बताया है वस्कुलर टिश्यू क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इनमें रिप्रोड्यूस कैसे होता है? तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्ट्स के थ्रू, एग्जाम्पल मार्सिलिया, फर्न, हॉर्स टेल्स, ठीक है ना। अब आगे अपड़ हो गया आप क्या, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो देखो भैया, तो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स इनके बॉडी के पार्ट्स प्रॉपर डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, मतलब आपको साफ साफ रूट, स्टेम, लीफ प्रॉपर दिखेगा और आपको उनके काम भी दिखेंगे। उसके बाद वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, सब पता है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, कि आपका जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है वो नेक्ड सीड विदाउट फ्रूट और फ्लावर। इनमें डायरेक्ट सीड्स होते हैं, आपको फ्रूट फ्लावर नहीं दिखेंगे, डायरेक्ट सीड मतलब नेक्ड सीड्स होंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट आपको वर्ड दिखेगा एनसीईआरटी में, पेरेनियल एवरग्रीन। मैंने वैसे दोनों एक साथ ही हैं, मैंने लगा दिया कॉमा। पेरेनियल एवरग्रीन का मतलब जो हमेशा सदा हरे भरे रहते हैं, ठीक है ना। एंड वुडी पता है, मतलब इसी लकड़ी होता है, एग्जाम्पल पाइन्स, देवदार और साइकस गिंको, ठीक है। अब अगला आता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स। तो भाई इनके लिए हम एक कॉमन वर्ड बोलते हैं, इन्हें हम बोलेंगे कॉमनली नॉन एज फ्लावरिंग प्लांट। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉमनली नॉन एज फ्लावरिंग प्लांट। तो ऑल्सो नॉन एज फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, लेटर ऑन फ्लावर बिकम फ्रूट्स। उनका जो फ्लावर है वो बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इनके सीड्स फ्रूट्स के अंदर होते हैं, जो आप खाने के बाद जो फेंकते हो, मतलब डाल देते हैं ज़मीन में, तो ये आगे जाके फ्यूचर में क्या बन जाता है? प्लांट्स। एम्ब्रोइन सीड हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटिलीडन। इनके एम्ब्रो में ना एक स्ट्रक्चर होता है, इनके एम्ब्रो में स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कॉटिलीडन। दे आर आल्सो कॉल्ड सीड लीव्स बिकॉज इन मैनी प्लांट दे एमर्ज एंड बिकम ग्रीन वैन दे जर्मिनेट। अगर आप उस, मान लो अगर आप जैसे देखा होगा आपने मटर को, अगर आप मटर को छिलोगे तो देखा होगा आपने मटर के अंदर दो टुकड़े बन जाते हैं, तो वो क्या है? वो कोटिलीडन है, ठीक है। अगर आपने जैसे कि उसको चने को भी देखा होगा, अगर आप चने को फुला के छोड़ोगे, अगर उसकी कवरिंग नॉर्मली भी हटाओगे तो देखना आपको दो दाने निकलते हैं, तो वो क्या है? वो कोटिलीडन है, ठीक है। कुछ प्लांट्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें दो कोटिलीडन होते हैं और कुछ में एक होता है। तो ऐसे प्लांट, ऐसे सीड्स जिनमें एक कोटिलीडन है, हम उन्हें बोलते हैं मोनोकोटिलीडन।
अब कुछ होते हैं दो, जिसे बोलते हैं डाइकॉटिलीडन, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ मैंने, एंजियोस्पर्म आर फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलीडन इनटू टू पार्ट्स, मोनो एंड डाइकॉट। देखो मैंने डिफरेंस लिख रखा है, ये ना वैसे आपके भी नाइन्थ लेवल पे तो नहीं है, पर मैंने कुछ स्कूलों में देखा है वो दे देते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। मोनोकोट और डाइकोट पे डिफरेंस लिखो भाई, तो मैंने लिख दिया है। जैसे कि फीचर्स, सीड्स होते हैं रूट, स्टेम, फ्लावर और एग्जांपल। जैसे कि मोनोकोट में वन कॉटिलीडन होता है, डाइकोट में दो कॉटिलीडन होता है। इनके रूट्स कैसे होते हैं, फाइब्रस और प्रोमिनेंट। आप फाइब्रस देखे होंगे, आप रेशेदार जो बिल्कुल पतले पतले होते हैं, बहुत सारे उसमें डिवाइड हो जाते हैं, इन्हें बोलते हैं फाइब्रस रूट, इसे बोलते हैं प्रोमिनेंट रूट, बिल्कुल स्ट्रेट आपको फॉरवर्ड दिखेंगे। स्टेम, फॉल्स और होलो, इनके जो स्टेम्स होते हैं बिल्कुल खोखले होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है। और इनका जो डाइकोट का कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। फ्लावर्स कैसे होते हैं, फाइव और मल्टीपल ऑफ फाइव, इसमें कैसे होते हैं थ्री, मतलब आपको फाइव पेटल्स मिलेंगे, इसमें थ्री मिलेंगे। अब एग्जांपल, पोटैटो, सनफ्लावर, पीनट्स, बीन, मैंगो, ये सारे क्या हैं, मोनोकॉट वाले। देखो भाई ये आपका बनाना वीट क्या है, डाइकोट वाले। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारे एग्जांपल तो नॉर्मल सबको पता होने ही चाहिए जो आप नॉर्मल लाइफ में देखते हो, पर आपके एनसाइटी में ना ये दो नाम दे रखे हैं, क्या है, पेफियो पेडिलम और ये क्या है, आइपोमोआ, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखें, क्योंकि एनसाइटी में ये रखोगे तो टीचर बिल्कुल नहीं काटेगा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको कुछ डायग्राम दिखा देता हूँ जो आपके, मतलब आपने देखा होगा, आपके एनसाइटी में है सारे डायग्राम। जैसे कि देखो ये म्यूकर है, फिर उसके बाद क्या आता है, राइजोपस, फिर ईस्ट है, फिर अगर नीचे आओगे तो पेनिसिलियम है, फिर उसके एस्परजिलस है, फिर मोर्चिलिया है, उसके बाद फिर जुलोथ्रिक्स है, फिर क्लाइडोफोरा है, अल्वा है, चारा है, स्पायरोगायरा है, ये मार्चिंथिया हो गया, रीसिया हो गया, फुनेरिया हो गया, सारे एक डायग्राम है। तो इनको मैं समझाऊंगा अभी और प्रॉपर तरीके से। फिलहाल जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, अभी इतना बहुत, मतलब थोड़ा डायग्राम को लेकर, ठीक है ना। बाकी देखो मैं आपको भी नेक्स्ट वीडियो में जैसे क्या पढ़ाने वाला हूँ, एनिमिलिया के बारे में, एनिमिलिया को हमने किस बिहा पे, जैसे कि मैंने प्लांट्स को डिवाइड किया है ना ऑन द बेसिस ऑफ उनके बॉडी के पार्ट डिफरेंशिएटेड हैं या नहीं है, उनमें वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं है, वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, सीड्स के थ्रू करते हैं या स्पोर्ट्स के थ्रू करते हैं, या उनमें सीड्स नेक्ड हैं या कवर्ड हैं, मोनोकोट हैं या डाइकोट, हमने डिवाइड किया ना। तो उसी तरह से अब हम एनिमल्स को भी डिवाइड करेंगे, तो हम ये पढ़ने वाले हैं जैसे कि बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, उसके बाद फिर डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, इन सब का मतलब बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद कैविटी क्या होती है, सीलोम को बोलते हैं, कुछ में कैविटी प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं होती है, कुछ में नहीं होती फिर भी वो शो करते हैं, फिर जैसे नोटोकोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि फिर हम पढ़ेंगे कि हमने जितने भी एनिमल्स हैं सबको डिवाइड कर रखा है फाइलम्स में, पॉलीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटी हेलमेंथीज है, मोलस्का है, उसके बाद सभी के एग्जांपल मैंने डायग्राम के थ्रू दे रखे हैं। उसके बाद जैसे कि एनिलिडा है, फिर ऑर्थोपोडा है, सभी के डायग्राम ये रे। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा है, प्रोटोकोर्डेटा है, ठीक है। उसके बाद फिर नेमोटोडा है, वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स में हम आते हैं। फिर आप इसमें पढ़ोगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि जैसे कि ह्यूमन का हार्ट कितने चैम्बर्ड का होता है, फोर चैम्बर्ड, थ्री चैम्बर्ड। उसके बाद कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसी भी एनवायरनमेंट अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम, तो हम क्या है, वर्म ब्लडेड। कुछ होते हैं कोल्ड ब्लडेड जो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। फिर जैसे कि ये वर्ड्स हैं वर्म ब्लडेड, फिर कोल्ड ब्लडेड, जैसे कि एग्जाम फिर पढ़ेंगे पीसेस के बारे में, मछलियाँ कितनी तरह की मछलियाँ होती हैं, सभी के एग्जांपल्स नाम। फिर एम्फीबियंस क्या होते हैं, आपको मैंने पीछे वर्ड बताया होगा एम्फीबियंस क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, उनके एग्जांपल्स। फिर रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेंगने वाले एनिमल्स, ठीक है। फिर उसका हम पढ़ेंगे क्या, बर्ड्स जिसे हम एवेज बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मैमल्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल भाई आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब। बाकी देखते हैं, बाकी
नाम है, पढ़ो सही से। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में भेजो, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे भी करना एक्सप्लेन मुझे, मैं करूँगा एक्सप्लेन। बाकी थैंक यू, बाय।